ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने नगरोटा बगवा में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में बिट्टा ने कहा कि जो 70 साल पुरानी बीमारी थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मौत का कफन पहनकर इस धारा को खत्म करने की हिम्मत की है, हमारे शहीदों की शहादत का बदला लिया है, इस प्रधानमंत्री को सलाम करते हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने नगरोटा बागवा में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि जो 70 साल पुरानी बीमारी थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मौत का कफन पहनकर इस धारा को खत्म करने की हिम्मत दिखाई है, हमारे शहीदों की शहादत का बदला लिया, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी से नहीं है और जो देश के लिए काम करेगा उसके लिए वे हर जगह खड़े होंगे। एम का सीपीआई का नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल वेल का। हमारी सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के अंदर, अगर नरेंद्र मोदी ने हटाया है 370 धारा, कैंसर की बीमारी 70 साल की समाप्त की है, तो हम दूसरी पार्टियों वाले उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो मैं समझता हूँ आज प्रथम राष्ट्र नहीं रहा, हमारे लिए कुर्सी सत्ता पैसा ये दौड़ में शामिल है। पहले राजनीति होती थी, अब राष्ट्रनीति चलती है, फर्क इतना है। ना मैं बीजेपी का मेंबर हूँ ना मैं किसी और पार्टी, पुराना टकसाली कांग्रेसी हूँ, मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, इसी मिट्टी में एक दिन हमने समाना है। और ये ओके नहीं समाना है ये कांग्रेसी जब ना, हम तो एक मातृभूमि के छोटे से सिपाही है। तो जिस व्यक्ति ने मौत का कफन बांध करके हमारे लाखों जवानों की शहादत का बदला लिया, 26/11 का बदला लिया, पार्लियामेंट का बदला लिया, दीनानगर का बदला लिया, पठानकोट का बदला लिया, 70 सालों से जो कत्लेआम हुआ उसका नरेंद्र मोदी जी ने अगर बदला लिया है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को, तो उनको हम कैसे नहीं सलूट करेंगे। अब उनको इसलिए सलूट ना करें क्योंकि वो बीजेपी के हैं, तो हम तो पापी गुनाहगार है ना, हमको मातृभूमि से प्यार नहीं है ना, फिर हम तो प्यार है अपनी वोट और सत्ता कुर्सी से, हमने तो बुरा कहना ही है। मैं तो बुरा नहीं कहता, जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया वो को ना कर सकता था ना को कर पाएगा। सरदार पटेल जी का अधूरा सपना अगर पूरा किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने मौत का कफन बांध करके किया है। बिट्टा ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष कहते हैं कि पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारे पास आ जाएगा, समय कितना लगेगा ये देखने वाली बात है। जब हिंदुस्तान का आर्मी चीफ, जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात निकल जाए कि ऑक्यूपाई कश्मीर का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, तो समझो ऑक्यूपाई कश्मीर हमारे पास आ चुका है, टाइम कितना लगे। हिमाचल की प्रदेश सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी सरहद में शहीद होते हैं उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए और नौकरी तथा शहीद के परिजनों को यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। 70 धारा के बाद आपने देख लिया कोई शहादत नहीं हुई, बड़ी शहादत और ना हो, पर सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट की तरह, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरह, महाराष्ट्र सरकार की तरह, हरियाणा सरकार की तरह, कि 1 करोड़ रुपए की राशि जो शहीद होता है उसको दें। बाय द वे सरकार का बजट नहीं है तो हरियाणा गवर्नमेंट के मुकाबले जो भी शहीद हो उसके परिवार को 50 लाख और साथ ही नौकरी तुरंत, उसको धक्के ना खाने पड़े। ये सरकार यहाँ कानून बनाए, बातों ना होगा। सबसे बड़ी हरियाणा हिमाचल में प्रॉब्लम है, यहाँ शहादतों का अपमान बहुत है। और पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा जो भी हैं, वोट सत्ता की राजनीति बाद में, जो जो उनके एरिया में एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो जख्मी है, जो शहीद है, उनके परिवारों की देखभाल करें, उनके केसेस को लेके हिमाचल गौर